जगमाता के जगपाल, आज मैं आपको बहुत ही दुख की बात बताना चाहता हूँ कि आज के समय ये भारत जैसे देश में पेट्रोल के टैंकरों से पेट्रोल सप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि लाखों गौवंश को पेट्रोल के टैंकरों से काटने के लिए कत्लखानों को ले जा रहा है। पहले के समय ये भारत विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन आज के समय ये गुरु की माँ ही नहीं बचेगी तो ये देश कैसे बचेगा। मैं आज के समय ये भारत से 70 देशों से अधिक देशों में गौ मांस एक्सपोर्ट होता है। आज पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आ चुका है ये भारत गौ मांस एक्सपोर्ट करने में। जैसे इंडोनेशिया, सऊदी अरब, रूस, ऐसे कई देशों में हर रोज गौ मांस एक्सपोर्ट होता है। सऊदी अरबिया ये कहता है भारत को, तुम हमें गौ मांस दो, हम तुम्हें पेट्रोल देंगे। आज के समय ये भारत में 80,000 से अधिक गौवंश हर रोज कटती है। ये भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर हरण को काटने पर 3 साल से अधिक की सजा हो सकती, परंतु गाय को काटने वाले को 1 दिन की भी सजा क्यों नहीं। मैं मोदी जी से विनती करता हूँ कि अगर आप गौ हत्यारों को 3 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकते हो, तो आप गौ हत्यारों को 1 दिन की तो सजा अवश्य दे सकते हो। आप जितना हो सके उतना इस कानून को लागू कीजिए। अगर हमें गौ नहीं बचेगी तो ये देश कैसे बचेगा? जब गौ ही नहीं बचेगी तो ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? हमें गौ को बचाना है, ये देश को नहीं। जब गौ ही नहीं बचेगी तो ये देश कैसे बचेगा? हमें आज से ही संकल्प लेना होगा, गौ हत्यारों को हमें 1 दिन की तो सजा अवश्य देनी होगी। जगो माता के जगोपाल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जगो माता के जगोपाल, वंदे गौ माता।